फ्रेंड्स, ये देखिए हरे प्याज के पकोड़े। सर्दियों में इस पकोड़े का अगर आप आनंद लेना चाहते हैं तो शुरू से एंड तक इस वीडियो को देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं हरे प्याज की पकोड़ी, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम प्याज हरे प्याज लिए हुए हैं। ये सर्दियों के मौसम में इजली मिल जाता है हमें मार्केट में। इसके बाद हमें जरूरत होगी बेसन की, चावल का आटा, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, हरा धनिया, हरी मिर्च, नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले, अजवाइन, खड़ा धनिया, सौंफ, कुटा हुआ लहसुन, ग्रेट किया हुआ अदरक, पानी जो हमें बैटर बनाने में आवश्यकता होगी, सरसों का तेल। इसे बनाने के लिए हम प्याज को बारीक बारीक काट लेते हैं। हमने प्याज को बारीक काट लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़ी चम्मच बेसन, 1 बड़ी चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, चॉप किया हुआ अदरक, कुटा हुआ लहसुन जिसकी 4-5 कलियां थी, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/2 छोटी चम्मच सौंफ, साबुत खड़ा धनिया, अजवाइन, नमक अपने स्वाद अनुसार डालें, 2 हरी कटी हुई मिर्च। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालते हुए इसे इस मिक्सचर को मिलाएंगे। अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम ज्यादा और पानी डालेंगे इसमें। अब हमारे पकौड़ी का पेस्ट बनकर तैयार है। अब हम गैस ऑन कर लेते हैं। कढ़ाई पे सरसों का तेल डालेंगे। अब हम ऑयल को हाई फ्लेम में गरम करेंगे, और जैसे ही हाई फ्लेम में गरम होता है हम पकोड़े अपने इसमें डीप फ्राई करेंगे। जिस हिसाब से आप चाहें उस हिसाब के पकोड़े बना सकते हैं। आप चाहे तो छोटे पकोड़े बनाएं, चाहे तो छोटे, या बड़े बनाएं चाहे तो बड़े पकोड़े बना सकते हैं। एक ही अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पकोड़े डाल देते हैं। इन्हें हम हाथों पे ही डालेंगे जल्दी जल्दी। अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे ताकि अच्छे तरह से पक जाए। अब ये देखिए हमारे पकौड़े पीछे से लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब इन सारे पकौड़ों को हम इसी तरह पलट लेंगे, इसी तरह से इसी तरह पकाएंगे। बहुत ही अच्छी तरह से आया, वो गोल्डन ब्राउन कलर आया हुआ है। इसमें हमें चावल का आटा डाला था जिससे ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए हमारे पकौड़े दूसरी तरफ से भी फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये काफी कुरकुरे बने हुए हैं। अब इसी तरह हम सेकंड बैच भी डालेंगे इस प्लेट में। मीडियम ही रखा हुआ है क्योंकि तेल हमारा काफी गर्म है। अगर हम हाई फ्लेम पे रखेंगे तो हमारी जो पेस्ट है काफी जल जाएगा, पकौड़े काफी जल जाएंगे। इसलिए हम मीडियम फ्लेम में ही उसे पकाएंगे ताकि अंदर तक पक जाए। अब इस पकौड़ों को भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे तैयार हो चुके हैं प्याज के पकोड़े। खाने बहुत ही टेस्टी होते हैं। फ्रेंड्स, अब बनके हमारे तैयार हैं हरे प्याज के पकोड़े। इसे आप हरी चटनी के साथ, सॉस के साथ खा सकते हैं।
या तो आप चाहे तो चाय के साथ खा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी सवाल हो कमेंट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसे बनाइए और मुझे बताइए जरूर कि आपको ये पकौड़े कैसे लगे। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं हम किसी नई रेसिपी के साथ। अगर आप अपनी कोई रेसिपी चाहते हैं कि मैं आपको बना के बताऊँ तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।